मेरा नाम है शंकर, आप सभी को हमारा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आप लोग कैसे फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो में वीडियो अपलोड कर सकते हो, क्योंकि कुछ दिन पहले से फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो अभी फेसबुक मेटा क्रिएटर स्टूडियो में बदल चुका है। जो भी लोग फेसबुक में वीडियो अपलोड करते हो, यूट्यूब चैनल जिसके पास है, तो अभी कुछ कुछ चेंजेस आ चुका है फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो में। तो आपको कैसे इसमें वीडियो अपलोड करना है नया अकाउंट से, उसका ही कंप्लीट प्रोसेस मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो इसलिए वीडियो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो को स्किप मत करिए, फर्स्ट से लास्ट तक देखते रहिए। और हमारे चैनल पर जो लोग पहली बार देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, पास बेल आइकन उसको जरूर हिट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल और अर्निंग से रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहेंगे इस चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते और आप लोगों को दिखाते हैं फेसबुक मेटा क्रिएटर स्टूडियो में आपको कैसे वीडियो अपलोड करना है, उसका ही कंप्लीट प्रोसेस। फ्रेंड्स, पहले आपको फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो में आपको लॉगिन करना है। पहले आप जैसे लॉगिन करते थे, उसके बाद यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर रो मिलेगा, यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जितनी सारी पेज आपका खुला हुआ है, जितनी सारी चैनल का पेज आपके सामने खुला हुआ है, सिंपली उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही वो पेज आपके सामने ओपन हो जाएंगे। पहले एक साथ था लेकिन अभी एक साथ नहीं है। आप जिस भी पेज में वीडियो अपलोड करना चाहते हो, सिंपली उस पेज के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो इस पेज में आपको वीडियो अपलोड करने के लिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्लिक करना है, उस पेज के यहाँ पर ऑप्शन में क्लिक करके पहले वो पेज में पेज सिलेक्ट कर लेना है जिस पेज में आप करना चाहते हो वीडियो अपलोड। उसके बाद यहाँ पर आपको क्रिएट पोस्ट का एक ऑप्शन यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्रिएट पोस्ट में क्लिक करने के बाद आपके सामने नया टैब ओपन होंगे। इस टैब में ऐसा कुछ पेज आएंगे, यहाँ पर आप ऊपर में क्रॉस जो बटन, यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऐड वीडियो का ऑप्शन, यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पर अपलोड फ्रॉम डेस्कटॉप, यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद जो भी वीडियो आप अपलोड करना चाहते हो इस पेज में, वीडियो सिलेक्ट करके छोड़ दो, तो आपके सामने ये वीडियो ऑटोमेटिक यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे जैसे पहले होते थे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर वीडियो अपलोड हो रहा है। जब भी ये 100% हो जाएंगे, वीडियो अपलोड कंप्लीट यहाँ पर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको 100% होने के लिए कुछ देर यहाँ पर आपको वेट करना होगा वीडियो अपलोड होने के लिए। तो कुछ देर वेट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, मेरा यहाँ पर वीडियो 100% अपलोड मेरा हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पर वीडियो टाइटल देना है, जो भी वीडियो टाइटल आप देना चाहते हो जैसे पहले देते थे। उसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आपको डालना है, जो भी डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर देना चाहते हो। तो यहाँ पर मुझे कुछ डिस्क्रिप्शन देना है, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर दे दीजिए, जो भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप देना चाहते हो। उसके बाद इस डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिए। यहाँ पर थंबनेल अपलोड करने के लिए अपलोड इमेज में क्लिक करिए, यहाँ पर अपलोड इमेज में फिर से क्लिक करिए। जो भी थंबनेल अटैच करना चाहते हो, थंबनेल यहाँ पर आप अटैच कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर शो मोड में आपको क्लिक करना है। शो मोड में क्लिक करते आपके सामने कुछ ऐसा टैब आ सकता है, इसको आपको आपको बाहर क्लिक करना है। तो ये टैब यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ से हट जाएंगे। उसके बाद आपको टैग कोलैबोरेशन यहाँ पर इसको ऑन करना है। और इस वीडियो के लिए जो भी टैग आप अटैच करना चाहते हो, सिंपली वो टैग आपको यहाँ पर लिखना होगा, जो जो टैग आप यहाँ पर देना चाहते हो इस वीडियो के मुताबिक। तो आपको सिंपली वो टैग यहाँ पर आपको लिखना है, वो टैग यहाँ से आप सिलेक्ट कर दीजिए या एंटर भी कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर पूरी कुछ डिटेल्स चेक करके नेक्स्ट बटन में क्लिक कर देना है। यहाँ पर नेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ पर पहला ऑप्शन ग्रीन टिक आ चुका है। उसके बाद फिर से नेक्स्ट करना है, यहाँ पर देख सकते हो सेकेंड जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पर ग्रीन टिक आ चुका है। तीनों ऑप्शन यहाँ पर ग्रीन टिक आना चाहिए। उसके बाद मुझे प्लेलिस्ट सेलेक्ट करनी है, यहाँ पर प्लेलिस्ट ऑन करके यहाँ पर आप प्लेलिस्ट सेलेक्ट कर दीजिए, जो भी प्लेलिस्ट आप पहले बनाए थे। प्लेलिस्ट सेलेक्ट करने के बाद आपके हिसाब से उसके बाद पब्लिश बटन में क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर कुछ देर वेट करना होगा, वेट करने के बाद आपका वीडियो जो है यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे। तो ऐसे ही आपको वीडियो यहाँ पर अपलोड करना है। अपलोड मेरा यहाँ पर प्रोसेसिंग में है, आप यहाँ पर वो देख सकते हो। उसको डन में क्लिक कर देना है। डन में क्लिक करते ही आपका जो वीडियो है मेटा क्रिएटर बिजनेस स्टूडियो में आपका वीडियो यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर कुछ देर वेट करने के बाद तो मेरा वीडियो यहाँ पर प्रोसेसिंग में है। तो कुछ देर यहाँ पर आपको वेट करना होगा, प्रोसेसिंग जब कंप्लीट हो जाएंगे आपका वीडियो यहाँ पर पब्लिश हो जाएंगे फेसबुक मेटा क्रिएटर स्टूडियो में। इसमें कुछ कुछ चेंजेस आया है इस प्रोफाइल वाले ऑप्शन में, आप वो देख सकते हो। ठीक है, ये जो बटन है इसको आप क्रॉस यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो पहले ये वीडियो मेरा अभी अपलोड किए थे, पहले जो अपलोड किए थे वो यहाँ पर आपको पूरी उसका एनालिटिक यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जितनी सारी वीडियो आप इस पेज में अपलोड किए हो, ठीक है, या इस चैनल में अपलोड किए हो, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। प्रोसेसिंग हो जाने के बाद वीडियो यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे। तो ऐसे ही आपको फेसबुक मेटा क्रिएटर स्टूडियो में वीडियो अपलोड करना है। Thank you.